ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार अतीक वाला क्या प्रसंग था, जो मंच पे वो थे आप मसीहा और उसके बाद फिर जो आपने गाया। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ जी, प्रतापगढ़ में पैदा हुआ हूँ। मेरे चारों तरफ, आप बलिया के हैं, आपके पड़ोस में गाजीपुर है, आपके पड़ोस में सोनभद्र है, आपके पड़ोस में चंदौली है, राजनीति किनसे भरी पड़ी है आपको पता है? बहुत बढ़िया सर। आपको हर मंच पे जो जनप्रतिनिधि मिलता है उसके खिलाफ 20 25 50 मुकदमे होते हैं, तो उसमें आपका क्या कसूर है? मंच सजा है, आप बतौर कवि आमंत्रित हैं, जो भी मुख्य अतिथि बैठा होगा उसके लिए आप दो शब्द बोलते हैं। तो दो शब्दों में आपने बहुत कुछ बोल दिया। शायर हूं, मेरे दो शब्द हो सकता है आपको बहुत उसके उसके व्याख्या में आपको ज्यादा लगते हो, लेकिन वो दो शब्द ही थे। अच्छा, वैसे इमरान प्रतापगढ़ी चूंकि शायर हैं, इमोशनल भी होंगे, स्वाभाविक सी बात है। आपने बताई दिया कि बिना इमोशन के कोई भी आर्ट पैदा ही नहीं हो सकता। पैदा ही नहीं हो सकता। तो कभी आप इस पे गौर करते हैं कि आखिरकार मेरी इन बातों को लेकर भी बात क्यों हुआ, क्यों होना चाहिए? नहीं, होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन ये तो मीडिया वालों से पूछना है कि क्यों विवाद पैदा करते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि विवाद हो? कौन चाहेगा कि विवाद हो? या कभी कभी मुझे मीडिया में बने रहने के लिए किसी विवाद की आवश्यकता नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे हुनर दिया है, मैं अपने हुनर से बना रह सकता हूँ। राजनीति ने मुझे एक सम्मानजनक स्थान दिया है, मैं उसकी बदौलत बना रह सकता हूँ। तो मुझे मीडिया में बने रहने के लिए कोई विवाद की जरूरत नहीं। ना मैंने आज तक कभी कोई विवादास्पद बयान दिया। मेरी कविता, मेरे बयान आप कभी भी विवादास्पद नहीं बता सकते। अच्छा, कौन सी वो नज्म है जो आपके दिल के करीब है? बहुत सारी हैं। किसी माँ से आप पूछेंगे कि कौन सा बच्चा उसके दिल के करीब जो आप है? मेरे सारी मेरी जितनी भी रचनाएं हैं वो मेरी सारे मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और उसके लिए आपको एक कविता पे लंबा सेशन बात करना पड़ेगा। मौजूदा व्यवस्था को टच करती हुई दो लाइन। मैं तो देखिए, मौजूदा व्यवस्था पे मैं बहुत सारी बातें कह रहा हूँ। मैं तो इस सरकार से लगातार कह रहा हूँ कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जहाँ मोहब्बत थी, जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में बैठ के बातचीत करते थे, चाय पी सकते थे। वो हो नहीं रहा है आपके हिसाब से और आपकी पार्टी के हिसाब से, तो क्या राजनीति से इतर भी कभी सोचते हैं कि इस दिशा में भी हमें काम करने की? बिल्कुल करने की जरूरत है। समाज को एकजुट करने के लिए राजनीति से अलग सामाजिक स्तर पर भी प्रयास की आवश्यकता है, और हम अपने तौर पे कर रहे हैं। मैं देश भर में भारत जोड़ो सम्मेलन कर रहा हूँ, भारत जोड़ो कवि सम्मेलन कर रहा हूँ, भारत जोड़ो छात्र सम्मेलन कर रहा हूँ। मैं लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूँ, चूंकि मैं अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं उस बैनर तले भी लोगों के बीच में जाके उन्हें जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, उनका दुख दर्द समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सब मिलकर आवाज़ लगाएं तो कुछ चांद पे रोक पड़े, मैं तनहा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। सबको कोशिश करनी पड़ेगी, एक कलेक्टिव कोशिश होगी तब समाज बदलेगा, क्योंकि भाजपा ने संघ ने कलेक्टिव कोशिश से एक जो ध्रुवीकरण की राजनीति खड़ी की है, उसके लिए सबको एकजुट होकर के उस प्रयास को फिर से करना पड़ेगा। तो इस प्रयास के लिए, इस जैसा कि आपने बताया कि इस दिशा में आप ये काम कर रहे हैं, आपके पार्टी का सहयोग, क्योंकि होता क्या है, एक नेता ने कहा था, मैं उसका हवाला नहीं दूंगा, कि जो सत्ता पक्ष बोलता है और जब विपक्ष बोलता है, तो जो आम आदमी है उसको दोनों बातें लगती है कौन सी सही है, तो उसमें जो है असल मुद्दा गुम हो जाता है। यही विद्याशंकर जी, यही आकर के मीडिया की भूमिका खड़ी होती है कि सत्ता पक्ष जो बोल रहा है और विपक्ष जो बोल रहा है, उसमें से बात कौन सी सही है। लेकिन यहाँ तो साहिबे आलम ने जो बोला है वही सही है, साहिबे आलम ने जिधर इशारा कर दिया वही सही है, जहां पनाह की पुतलियां जिधर फिर गई मीडिया के लिए वही सही है। ये जिस दिन दूर होगा उस दिन देश की यही मीडिया जैसा संस्थान खड़ा क्यों हुआ? देश में इस तरह के स्वतंत्र संस्थान और लोकतंत्र का चौथा खंभा उसे क्यों कहा गया कि पक्ष और विपक्ष दोनों को रख करके आपको तटस्थ रहना है, निष्पक्ष रहना है। मीडिया का कोई पक्ष नहीं है। लेकिन एक ऐसा समय जब मैं किसी को दोषारोपण किसी एक चैनल को नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया को अपनी भूमिका को फिर से आत्म परीक्षण की आवश्यकता है। यह संस्थान बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है।